मरीन इलेक्ट्रिकल में जिस तरह से कुछ दिनों से गिरावट हो रही है, काफी लोग परेशान हैं कि असल में क्यों गिरावट हो रही है। लेकिन मैंने आपको देखिए पहले ही बता दिया था, जब इसके नतीजे आए थे मैंने बताया था कि इसमें गिरावट हो सकती है क्योंकि नतीजे कंपनी के अच्छे नहीं है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कितना गिरावट हुई है इसमें, ऑलमोस्ट कितने रुपये था, 55 था, अभी कितना चल रहा है, अभी चल रहा है ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट 49 रुपये 15 पैसे। तो कितने परसेंट गिरावट है, एज यू कैन सी ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12% गिरावट है। अगर आप टॉप लेवल से कैलकुलेट करेंगे तो 13% गिरावट है। तो 13% स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या और नीचे जाएगा स्टॉक या फिर यहाँ कंसोलिडेट करके फिर से कम बैक करेगा, इन दोनों में से क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, पॉसिबिलिटी के हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, स्किप मत करिएगा, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस कर देंगे। सबसे पहले समझिए आज के दिन क्या हुआ। देखिए आज के दिन हमें बायर्स थोड़े से दिखे आते हुए मॉर्निंग में। स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टॉक जो है नीचे खुला, पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे खुला, उसके बाद अचानक से बायर आए, स्टॉक को एक टाइम पे प्लस लेके आए, उसके बाद कंसोलिडेट करते करते स्टॉक जो है एक टाइम पे 2 बजे के आसपास जो है फिर से इसमें गिरावट हो गई और स्टॉक जो है आज के दिन ऑलमोस्ट 1% नीचे क्लोज हुआ। तो यहाँ पर अब आगे क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ चार्ट के माध्यम से। तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं आगे के लेवल्स। ओके, तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि दो सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। पहला सपोर्ट क्या बताया था, ऑलमोस्ट ये इसके आसपास बताया था, कितना 49 के आसपास, एक सेकंड मैं फिर से देख लेता हूँ कितना बताया था, बिल्कुल 48.90 यानी कह सकते हो 49 रुपए के आसपास मैंने सपोर्ट बताया था और 50 के आसपास बताया था। तो ये दोनों एक सपोर्ट के रूप में मुझे लग रहा है कि काम कर सकते हैं, पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। लेकिन अगर देखेंगे कि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि हुआ क्या है, उस लेवल के आसपास किस तरह से मरीन इलेक्ट्रिकल ने बिहेव किया है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो लेवल है यहाँ पे बायर्स अग्रेसिव फिर से हो रहे हैं, बायर्स ट्राई कर रहे हैं। तो ये बायर्स जो है कब हमें दिखेगा कि ये बायर्स पूरी तरह से कन्विक्टेड है, मतलब ये बायर जो है स्ट्रांग दिख नहीं रहे हैं अभी, बहुत अच्छे तरह से स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं, हालांकि उन्होंने ट्राई किया है, बायर्स ने ट्राई तो किया है। देखिए यहाँ पे ये ट्राई तो किया है, आज के दिन जो स्टार्टिंग में ऊपर लेके गए थे ट्राई किया है, लेकिन अभी कंट्रोल में है, पावर ज्यादा इन्हीं के पास है, ये चीज प्रूफ नहीं हुई है। ये चीज प्रूफ कब होगी, जब आपको प्राइस एक्शन के थ्रू ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। कौन सा लेवल ब्रेक होना चाहिए, ऑलमोस्ट 56 जहाँ से सेलिंग आई है वो ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि तो जिन लोगों ने सेल किया है अगर उनको, अगर यहाँ पर सेल, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए कहाँ से गिरावट हुई है, ऑलमोस्ट यहाँ पे पिछले दिन 56-57 के आसपास था स्टॉक, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो यहाँ पे जब तक, क्योंकि यहाँ पे सेलर का कंट्रोल है, समझिए एक चीज को, सेलर का कंट्रोल है, यहाँ पे कौन स्ट्रांग है, सेलर। और अगर स्टॉक जो है इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो इसका मतलब क्या है कि सेलर का कंट्रोल पीछे हो गया, मतलब कि सेलर जो है वो वीक हो चुके हैं, ये सिंपल सा इसका मतलब है। और इसका उल्टा यही होगा कि अगर मान लीजिए स्टॉक कोई बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट से ऊपर गया वो स्टॉक, ठीक है, फिर अगर धीरे धीरे करके वो ब्रेक कर दिया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो उसका मतलब क्या है कि जो बायर हैं जिन्होंने इस लेवल पे बाय किया था वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए तो ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि जहाँ से सेलिंग हुई है अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो कंफर्मेशन मिलेगा, वहां पे आप बाय कर सकते हैं। तो जिनको लेवल के हिसाब से बाय करना है मैं आपसे कहूंगा 57 के क्रॉस होने पे बाय करिए, वहां पे बहुत अच्छा सिनेरियो बन सकता है। लेकिन जो लोग बहुत ऑलरेडी प्रॉफिट में है मैं आपसे कहूंगा बने रहिए, अगर इसमें एक एसएल डाल सकते हैं, एसएल करीब करीब कितना रख सकते हैं, आज का जो दिन का लो है उसको एसएल के रूप में लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि बायर थोड़ा सा कन्विक्शन में है। दूसरा, अगर आपको थोड़ा और रिस्क लेना है, थोड़ा सा और नीचे आप एसएल लगाना चाहते हैं तो एक करीब करीब इस लेवल के नीचे एसएल लगा सकते हैं, ऑलमोस्ट 42.50 के आसपास एसएल लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जो स्टॉक काफ़ी छोटी कंपनी, मतलब कि जो कंपनी काफ़ी छोटी होती है उसमें स्टॉप लॉस लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उसमें अगर सर्किट लग गया 10% नीचे या 10% ऊपर तो आपका जो एसएल है वो बहुत नीचे जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एसएल लगाया था 48 पे, स्टॉक डायरेक्टली खुला 46 पे, तो डायरेक्टली आपका 48 पे सेल नहीं होगा बल्कि 46 पे होगा। तो ये होता है छोटे स्टॉक में, बड़े स्टॉक में ऐसा ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है, गैप अप गैप डाउन को छोड़ करके इंट्राडे में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको थोड़ा सा इसमें अभी, क्योंकि पूरी तरह से बेरिश नहीं है अभी, इसमें ताकत बची हुई है, वो ताकत अगर आपको देखेगा कि वो ताकत कब खत्म हो रही है, तो यहाँ पे जहाँ पे बायर्स ने खींचा था स्टॉक ऊपर, अगर ये लेवल टूट जाता है तो समझ जाइए कि स्टॉक जो है फिर से नीचे आ जाएगा, 30 के आसपास आ जाएगा या फिर 28 के आसपास आएगा। कब, फिर से सुन लीजिए बार बार, क्योंकि कुछ लोग उतने कमेंट करते हैं कि आपने कहा था 28 पे आ जाएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कब आएगा, जब ये लेवल जहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया है बाय किया है
उसके नीचे स्टॉक अगर आ जाता है तब, यानी कौन से लेवल के नीचे, 42 के, मतलब कि 44 के नीचे, ऑलमोस्ट 43.80 हो गया, 43.50 हो गया, वहां पे अगर स्टॉक आता है तो समझिए कि हाँ अब इसमें और भी गिरावट हो सकती है, 30 या 28 तक आपको तब देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको आई होप समझ में आ गया। लेकिन अभी के लेवल पे देखें तो अभी बिल्कुल न्यूट्रल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं दिख रही है, क्योंकि मार्केट में रिजल्ट आए, यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद गिर भी गया स्टॉक, तो 2-3 दिन गिरावट हुई, उसके बाद देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से या तो फिर से यहाँ पे टच कर सकता है, टच करने के बाद फिर एक अच्छी रैली दे सकता है, या फिर टच करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ब्रेक कर सकता है। तो वही मैंने आपको सिनेरियो सारे के सारे आई होप समझा दिए होंगे। और याद रखिए, अगर एक बार ये 56-57 का लेवल क्रॉस करता है, ये वाला लेवल अगर क्रॉस किया, तो वहां से तो बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, 80-90 के आसपास टारगेट स्टॉक का बन जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत आगे आगे के समय में इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है। आज के 10 दिन बाद ये चैनल पे हम बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं।